जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे, जी हाँ किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। और मजबूत इरादे के साथ आपकी एक नई क्लास DLED यानी कि BTC की सेकंड सेमेस्टर की क्लास होगी। टाइटल और बोर्ड होगा VTC का, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट कोई भी स्टूडेंट्स होगा, इंडिया ही नहीं अमेरिका का भी होगा, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये मैथमेटिक्स है, इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, ध्यान से देखना। जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारा तिकड़म हर कोई करता है, भले आप इंडियन रुपीज में करते हो वो डॉलर में करते हैं, इतना ही अंतर होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, यानी कि LCM की, जिसको हिंदी में बड़े ही प्यार से लघुत्तम समापवर्त बोला जाता है। लघुत्तम समापवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए देखते हैं, किसी भी कार्य को करने की कई विधियां होती हैं। जैसे अगर आपको यहाँ से अपने नानी के घर जाना है तो आप बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं ना। उसी तरह से LCM निकालना है तो यहाँ पर भाई बस ट्रेन बहुत सारी नहीं है, बस केवल दो तरीका है। चलिए हम दोनों से आपका परिचय करवाते हैं। पहले हम लेंगे गुणनखंड विधि, नंबर एक समान लेंगे और तरीका अलग अलग लगाएंगे और उत्तर एक लाएंगे, है ना बड़ी अद्भुत बात। नंबर हमने ले लिया, मान लेते हैं चलो एक नंबर ले लिया 12, एक थी 16, क्योंकि हरदम 18 लेते थे, ठीक ना, दोनों विधि में 12 और 16 ले रहे हैं। और हाँ एक बात आपको और बता दें, किसी के चेहरे से किसी की पहचान नहीं होती है, बात समझ रहे हैं ना। हमारे प्रिय मित्र ने बताया, जो व्हाट्सएप का रिप्लाई करते हैं, कि कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर से बोल दीजिए थोड़ा बाल वाल कटवा लिया करें, वैसे बहुत बिजी टाइप का लगते हैं, बड़ा अजीब से बने रहते हैं। तो उनको बता दें, कोशिश तो हमारी भी वही रहती है, लेकिन इतना सारा जो भी वर्क होता है हर किसी की ज़िंदगी में होता है, तो हमारी वरीयता जो इस पर कम होती है, काम पर ज़्यादा होती है, बस इतनी सी बात होती है। और अगर अच्छा लगना और खूबसूरती की बात करें, तो आपने देखा होगा विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता होती महिलाओं में, आपने देखा होगा पूरे विश्व में, तो उसमें जो विश्व सुंदरी घोषित किया जाता है वो चेहरा या फिर उसकी बनावट या खूबसूरती के आधार पर नहीं। कभी आप देखिए न्यूज में, देखने में किसी काम का नहीं लगता, लोग कहेंगे ये मतलब, अब आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, फिलहाल इसके टॉपिक बिल्कुल अलग है, लेकिन हमने क्यों बताया इसको, इसका रीज़न था कि बहुत सारे मतलब ऐसे कुछ मैसेज आए हुए थे, तो वो मजाक में हमसे कहने लगे, तो वही हमने कहा चलिए ठीक है, सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश करेंगे हम। तो ये है गुणनखंड विधि और ये है भाग विधि, इसको ध्यान से देखना। बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन पहले सवाल लगाते हैं। देखिए पहले हम लोग गुणनखंड विधि देखेंगे। तो साथियों गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो नंबर दिए गए हैं उनका एक एक को ऐसे चुपके से लिख लेते हैं, ये हो गया 12, ये हो गया 16, इनके गुणनखंड अलग अलग कर लेते हैं। और ये मैं साइड में कर रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझते जाना, बस कोशिश करना। देखिए इधर साइड में जैसे मैं इसको कर ले रहा हूँ 12 का गुणनखंड, तो 2 से काट दिया, 2 छंग 12, है ना, 2 से काटा 3, फिर 2 छंग 12 और ये 3, मतलब कि 2 गुणा 2 गुणा 3 आया, ध्यान देना। उसी तरह से आप 16 का भी काट लो, आप जानते होंगे गुणनखंड, तो 2 दुना 4 दुना 8 और 2 दुना 16 4 12 आएगा, है ना, मतलब समझना। हम लोग क्या करने वाले हैं, LCM पहले करने वाले हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो साथियों इस मेथड में क्या करते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि जो सभी में कॉमन है, दोनों में कॉमन मल्टीपल नाम होता है ना इसका, कॉमन ले लिए, यहाँ पर लिखेंगे LCM इक्वल टू, और ये भी तो एक कॉमन है, इंटू टू। फिर ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लेते हैं, किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। तो ये देखो 3 बेचारा अकेले बचा था, इसको भी लिख लेंगे, नीचे 2 बार 2 था इसको भी लिख लेंगे, 2 दुना 4 3 12 दुना 24 दुना क्या हो जाएगा 48। इस तरह से 12 और 16 का LCM क्या आया, 48। नहीं समझ में आया, 1% टेंशन मत लेना, बने रहना, अभी फिर से बताएंगे, बिल्कुल हैरान मत होना, परेशान मत होना, रुके रहना। ये तो एक मेथड हो गया।
देखिए साथियों, LCM मतलब होता क्या है ये हम बहुत विस्तार से आपको बता चुके हैं। अगर आप और भी गहराई में जाना चाहते हो तो कमेंट करना, उसको आपको दिखा दिया जाएगा, चूंकि यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं है। अब इधर देखना भाग विधि से, भाग विधि से क्या करना है, इसमें जो नंबर बड़ा होता है उसको अंदर में लिखते हैं खाना के, मतलब भाग वाले कोष्ठक के, और जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, इससे इसको भाग देते हैं। ये 12 एकम 12 घटाने पर आ गया 4। लेकिन इसमें एक दुर्भाग्य ये होता है कि इसको इतना करने के बाद जो शेषफल रहता है वो भाजक का दर्जा प्राप्त कर लेता है, और ये जो नंबर है ये नीचे आ जाता है, और फिर इससे भाग करते हैं तो ये 4 3 12 और ये 0 आया। मतलब अब आप यहाँ पर बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि हम आपको बताने क्या वाले थे जी, LCM बताने वाले थे ना। ओह, ये तो HCF हो गया जी, एक मिनट रुकिएगा, ये तो HCF हो गया, LCM की बात हो रही थी। तो देखिए, आप जब यहाँ पहुँच ही चुके हैं तो हम आपको बता दें ये भाग विधि से HCF है, जो कि 4 हो गया, जिससे लास्ट में कटता हुआ आंसर होता है, लेकिन हमें निकालना है LCM था ना। तो ये LCM ऐसे नहीं होता है, ये HCF था, मासा था, थोड़ा सा ध्यान जो है अलग था क्योंकि शुरू में ही अलग हो गया था। तो ये ऐसे करते हैं, ये भाग विधि है किसका, LCM का, ये गुणनखंड विधि था। इसमें क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं जिससे दोनों पूरा तरह कट जाए, शेषफल 0 हो जाए, तो वो है 2, 2 से कटेगा 6 बार जाएगा 0 हो जाएगा, 2 से कटेगा 8 बार जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 3 बार, फिर 2 से कटेगा 4 बार, फिर 3 से कटेगा, नहीं पहले 3 से नहीं, पहले जो कटने वाला नंबर है जिससे उसी से काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो ये 2 2 4, जब तक 2 से कटेगा तब तक किसी और से नहीं काटेंगे, ये लो आ गया। अब LCM क्या होता है, यहाँ पर ज़रा ध्यान से नीचे साइड में देखना, आपको दिख तो रहा है ना एकदम नीचे, हाँ देखिए, जो नंबर के गुणनखंड आए हैं यहाँ पर लिखेंगे LCM इक्वल ये 2 × 2 × 2, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, 3 4 बार कटा है ना, और गुणा 3, गुणा कर लो 2 × 2 × 4 × 8 × 16 16 3 48, यहाँ पर आप देखोगे 48 इधर भी आया था और 48 इधर भी आया था। ये गुणनखंड विधि है, ये भाग विधि है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्या होती है, ज़रूरी नहीं कि DLED BTC वाले ही एकदम बुद्धू होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, हम उनके सपोर्ट में रहेंगे। बुद्धू कोई नहीं होता है, जो नहीं सीखना चाहता वो बुद्धू होता है। तो ये तो आपने देख लिया, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सवाल, लघुत्तम समापवर्त, और अब हम बात करेंगे एक दूसरे सवाल की, उसको भी हम इसी विधि से बताएंगे, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी मित्रगण हैं जो अभी मुंह फैलाए हुए हैं कि भाई ये सब का हो गया, ये तो पल्ले ना ही पड़ा। तो बिल्कुल ना परेशान हुआ भाई, हम एक विधि से और बताऊंगा मैं। अब देखिए इधर क्या करने वाले हैं, वो नंबर है 48 और क्या लिख दें, 30 लिख लो, अलग अलग रहे। अब इनका चलिए दोनों विधियों से कर देते हैं, दोनों विधियों से निकालना है इनका। गुणनखंड विधि में लिख लो 48 30, तो चलो फटाफट गुणनखंड का डालो, एक एक का पकड़ पकड़ के, इधर साइड में है जगह ना, चलो 48 2 से काटो 24 2 से 12 2 से 6 फिर 2 से 3 3 से बताना अगर ना दिखेगा, चूंकि हमें मालूम नहीं होता कहाँ तक दिख रहा है कहाँ तक नहीं दिख रहा है, कहीं हो सकता है कि हम साइड में लिख दें और ना दिखे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बुला लो। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 2 × 4 × 8 × 16 3 48, तो ये 4 बार कटा है, 2 2 2 × 3। अब आगे क्या करेंगे, 30 को भी डिवाइड कर दो, 2 से काटा 15 फिर 2 से काटा ना कटेगा 2 से, बस केवल आपको गुणनखंड करने हैं, 3 5 15 5 1 5। जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि ये गुणनखंड होता कैसे है वो कमेंट करेंगे, हम उनको बताएंगे कि ये कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक ना। तो आप लोग बस कोशिश करना, ध्यान देते रहना। ये हो गए इनके भी गुणनखंड, ठीक, बुला लो ले लो, चलें आगे। देखिए अब क्या करना है, ये आप इनका जोड़ा बना दो, इसको मिटा देना, इधर गुणनखंड तो हो गया, नहीं समझ में आएगा तो बताना। देखिए
ये दो को हमने घेर दिया, दोनों में मिल रहा था, ये तीन भी मिल रहा था। तो अभी क्या बात हो रही, एलसीएम की बात हो रही ना, तो हमने क्या किया, ये दो लिख लिया, ये तीन लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इधर साइड में देखिए, एक दो तीन, जो तीन बार दो है नहीं मिल रहा है दोनों में, उसको भी लिख लेंगे। नीचे एक फाइव अकेले जो बचा हुआ है उसको भी लिख लेंगे। तो ये देखिए, ये भी इस तरह से हो चुका है। अब इनका सारा मल्टीपल कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, इतने में ही आपका ये कंप्लीट हो चुका है। दो तिहाई छः, और ये छः दूना बारह, दूना चौबीस, और चौबीस दूना अड़तालीस, अड़तालीस को पाँच में गुणा कर लो, अलग अलग तरह से कर लो, एक एक आ जाएगा, ठीक है। देखिए करके दिखाते हैं, चलिए देखिए अब इसका मल्टीपल कर लेते हैं। ध्यान से देखना, देखिए जो दोनों में मिल रहा था हमने लिख लिया, फिर जो नहीं मिल रहा उसको लिख लेंगे, यानी कि दो उतार लिया और ये तीन उतार लिया। उसके बाद ऊपर तीन बार दो था जो नहीं मिल रहा था उसको लिख लिया, और जो फाइव था इसको लिख लिया। तो दो तिहाई छः दूना बारह दूना चौबीस, चौबीस दूना अड़तालीस, अड़तालीस का पाँच में गुणा कर लेंगे। ये लो देखो, फाइनल में आपका आंसर आ जाएगा, पाँच अठे चालीस, हासिल आया चार, पाँच चौक बीस, चार हो जाएगा चौबीस। इस तरह से क्या आ जाएगा, 240 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर आपको कहीं कुछ गड़बड़ लगेगा तो कमेंट करके बताना, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक ना। बिल्कुल हमारी भरसक कोशिश यही होती है 100% आपको एक्यूरेट सही जानकारी देने की, लेकिन कहीं अगर मानवीय त्रुटि होती है तो उसको आप हमें सजेस्ट करें, आपके सजेशन आमंत्रित हैं। तो ये हो गया एक मेथड, दूसरे मेथड से देख लो एक बार फिर से। सबसे पहले हम दो से डिवाइड करेंगे, एक साथ दोनों को काटते हैं, इसमें यही इतना अलग फीचर होता है, दोनों को एक साथ काटते हैं। तो दो से काटेंगे ये 24 आएगा, फिर दो से काटेंगे 15, और फिर दो से काटेंगे ये देखो 12, और फिर ये 15, उसके बाद दो से काटोगे 6 और ये 15, और फिर दो से काटोगे 3 और ये 15, और फिर तीन से काटेंगे 3 × 3, 3 × 5 = 15, और फिर ये 5 से काटेंगे और ये क्या हो गया, 5, ठीक ना। इतना क्लियर हो गया। अब अगर आप एक बार ध्यान से देखो तो जो जो नंबर यहाँ पर आए हुए थे ये सब करने के बाद, वही नंबर यहाँ पर आए होंगे। देखिए एक दो तीन चार, चार बार दो था यहाँ पर, देखो चार बार दो आया है, एक बार तीन था, एक बार पाँच था, यहाँ पर भी देखो एक बार तीन और एक बार पाँच आया है। जब दोनों नंबर ये सब पूरा एक समान है तो गुणा करने पर भी 240 ही तो आएगा ना, मतलब कि आपने देख लिया दोनों विधि से, है ना, एलसीएम निकाल लिया। अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ भी ऐसे ही कुछ होता है। अब आगे देखिए इसमें जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको देखते हैं। देखिए मित्रों, जो सामान्य संख्याएं होती हैं वो तो आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे करेंगे जिनमें दशमलव लगा हो, काफ़ी अजीब सा लगता है। तो ध्यान से देखना इसको करने के लिए तरीका क्या है, ज़रा समझना। जैसे आप सिंपल संख्याओं का करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, आंख बंद करके एकदम प्यार से। तो चलिए सिंपल संख्या मतलब ये 15 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। तो 15 24 और 34 का एलसीएम तो आप लोग कर लोगे ना, चाहे जिस विधि से करिए, भाग विधि या गुणनखंड विधि से। उसके बाद हम आपको सीक्रेट बताने वाले हैं दशमलव का, कि दशमलव कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। तो चलो हम इसको करेंगे भाग विधि से। ये है 15, 24 और 34, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। तो क्लियर हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करोगे, इसको दो से काट दो, ये 15 नहीं कटेगा, ये कटेगा 12 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से आप इसके आगे क्या करोगे, दो से काटोगे, तो ये 15 जो है वो क्या होगा, फिर आगे कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा 6 और ये कटेगा 7, और फिर इसे आप दो से काटोगे तो ये 8 हो जाएगा, गलत है, 3 बार, 2 × 3 = 6 और ये 17। उसके बाद आप 3 से काट लो, 3 × 5 = 15 और ये 3 × 3 और ये 17। देखते जाना, जैसे करना था वैसे बिल्कुल करना है, टेंशन नहीं लेना, बस ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम क्लियर देखना, कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो बताना। अब जो ये 17 आया है ये ज़्यादा लफड़ा वाला, चूँकि ये 17 किसी से कटेगा नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। दो से काट दिया तो ये हो गया आधा, 24 का 12, 34 का 17, फिर दो से काटा 6 आ गया, 17 आ गया, फिर दो से काटा
तो ये 3 हो गया, 17 हो गया, फिर 3 से काटा और फिर 5 और 17 से। चलिए LCM लिखते हैं। LCM आप जानते हो कि भाग विधि में जो भी गुणनखंड आता है उन्हीं सभी का गुणा कर लिया जाता है। इसको थोड़ा सुंदर सा लिखता हूँ। जो भी गुणनखंड आए हैं, देखो 3 बार है ना, और फिर 3 गुणा 5 गुणा 17, क्लियर? देखना, गुणा कर लो सभी का। 2 दुना 4 दुना 8 त्रिक 24, 24 पंचे जानते हो कितना होगा? फिर से एक बार देख लो, 2 दुना 4 दुना 8 त्रिक 24, 24 पंचे हो जाएगा 5 चौक 20, हासिल आया 2, 5 दुना 10 2 हो जाएगा 12, 120, और फिर इसका 17 से गुणा कर लो। देखिए 17 का 12 में आपको एक प्रकार से गुणा करना, चलिए कर लेते हैं। 0 को यहाँ पर लिख लो, 17 दुना 34 के 4, हासिल आया कितना 3, और 17 एकम 17 और 17 3 20, यानी कि 2040 इसका क्या हुआ, LCM हुआ। अभी ध्यान से देखना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 17 दुना 34 के 4, हासिल आया 3, और 17 एकम 17 और 3 क्या हो गया 20, यानी कि 2040 आया। बट ये आंसर नहीं है, चूँकि हमें जो संख्याएं दी गई थी वो दशमलव में दी गई थी। तो जो सबसे अधिक अंक पर दशमलव वाली संख्या है कौन सी है? देखो इसमें 1 अंक पर दशमलव, इसमें 2 पर है, इसमें 4 पर है। जितना सबसे अधिक अंक वाली जो दशमलव वाली संख्या होगी उतने अंक पर दशमलव लगाएंगे, इसमें 4 अंक पर दशमलव लगा देंगे हम, तो फाइनल में आंसर आएगा 0.2040। इसका क्या होगा, ये उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये इसका LCM हो जाएगा 1.5 का, और 0.24 और 0.0034, यानी कि ये एक ऐसी संख्या है जो कि इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी, मतलब तीनों संख्याओं से कटे, इसीलिए इसको इस तरह से बनाया जाता है। अब हम आपको इसमें और भी कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं, आप ध्यान से देखना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस देखते रहना है। देखिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बताना, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के बस आप बोलते रहना फटाफट, ठीक ना। दशमलव संख्याओं का LCM आप देख रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी तथा फ्री की क्लास के लिए विजिट करें pbrstudy.com। वेबसाइट अंडर प्रोसेसिंग होने की वजह से हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, नहीं तो आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और pbrstudy को फेसबुक पर लाइक करके फॉलो कर लेना, जिससे आपको फ्री की क्लासें वहाँ पर भी मिलती रहें। एक दूसरा सा एग्जाम्पल हम देखेंगे, एकदम छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, 1.2 और 1.8 का यहाँ पर 5 लगा लो, ठीक है? नहीं 5 नहीं, ये इतना ठीक है, और 1 लिख लो, ये इतना। इन सभी संख्याओं का LCM क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पर हमें 12, 18 और 20 के गुणनखंड करने हैं, तो चलो फटाफट काट देते हैं, आंसर आपके सामने ले आते हैं। 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 9, और 2 से ये हो गया 10, फिर इसे आप 2 से काटोगे तो कितना आएगा मालूम है, 3, और ये 9 नहीं कटने वाला है, और ये 5 है ना, क्लियर ना। 2 3 6 2 5 10, 3 से काट दो, 3 एक कम 3, 3 3 का 9 5, और फिर इसे 3 से काट दोगे तो देखते जाना 5, एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल नज़र नहीं हटनी चाहिए इस पे से, ठीक ना। सही ना, सब कुछ ठीक है, गुणनखंड वगैरह सब ठीक ठाक है ना। चलिए 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यानी कि 5 कट चुका है, तो इसका LCM हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, 12 3 36, 36 का 5 से गुणा कर लो, LCM हो जाएगा। एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, काहे को रिस्क मोल लेते हैं, तो ये लो, इसको आप लोग करके देख लो जल्दी से फटाफट, ठीक है। ध्यान से देखना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस इसके आगे जहाँ हम जैसे इसको कर लेंगे वैसे इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दुना 4 3 12, 12 3 हो जाएगा 36, जब 36 का 5 में मल्टीपल कर लो, आप जानते हो 5 6 जा होता है 30 का 0 करी आएगा कितना 3, और 5 3 जा 15, 15 3 18, यानी कि 118 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। हेलो, हाँ अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो 118 इसका आंसर आ गया। लेकिन क्या ये उत्तर है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अंक पर दशमलव है इसमें 2 अंक पर है ना। वैसे अगर एक प्रकार से हम देखें तो सब में हम 2 अंक पर दशमलव मान सकते हैं, है ना,
सभी में हम 2 अंक पर दशमलव मान सकते हैं। तो ज़रा 1 मिनट रुकना, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए, हमने जब सवाल को किया था तो 2 अंक पर दशमलव मान करके इसको किया था ना, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, यानी कि 1.80 इसका आंसर आएगा। 1.80 क्या आएगा, उत्तर आएगा। बात समझ गए ना, 1.80 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, चूँकि 1.80 जो है वो सभी नंबर से कट जाएगा। चलो काट के देख लेते हैं, 1.2 से काट लो, ठीक ना। क्लियर, ध्यान से देखना इसको, काट के देखो पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर नहीं कटेगा तो बताना, और कटने को तो वैसे ही ये कट जाएगा, ट्राई करके तो देखो एक बार। देखिए मित्रों, ये LCM के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इसका LCM नहीं होगा, गलत है, ध्यान देना, अभी बिल्कुल समझना, भागना मत। अगर इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर आप देखो, नीचे से जब दशमलव हटेगा 1 अंक पर तो ऊपर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 1800 हो जाएगा। ऊपर 2 अंक पर दशमलव है, हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा मालूम है, नीचे 1200 हो जाएगा। ये कुल मिला करके फाइनल में 18/12 आ जाएगा, जो कि आपस में पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए ये गलत है। और गलत क्यों है उसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पर जो हम लोगों ने LCM निकाला है वो तरीका तो बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ इस बात की है ना कि जो यहाँ पर नंबर हम लोगों ने 20 यूज किया है ना, 20, वो 0.20 है, उसको 2 यूज करेंगे हम। और इसी समस्या को देखते हुए हम आपको एक बहुत बड़ी बात बता दें, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, 0.01 लिखा है और 0.10 लिखा है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और हाँ, ये 0.1 लिखा है तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं, ये दोनों इक्वल हैं। इसके बाद आप कितना भी जीरो लगा दो, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। और यहाँ पर अगर इसको बराबर करें तो ये कतई बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इकाई के अंक पर 1 है ना, और दहाई का अंक 0 है। यहाँ पर देखो दहाई का अंक 1 है, इसमें भी देखो इधर साइड क्या है, 1 है ना। तो दशमलव के बाद वाली गिनती, अगर जो कोई भी गिनती है उसके बाद जो भी जीरो है, तो उन जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हमारा जो सिस्टम है यहाँ पर गलत इसलिए हो गया कि ये जो जीरो है हमने इसको यहाँ पर वरीयता दे दिया और जीरो लिख दिया था। हाँ, ये सही हो सकता है, कब, ये 2 स्थितियों में सही हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर बीफ लिखा है ना 0.20 की जगह पर, अगर हम इसको LCM निकालते समय देखो यहाँ पर भी तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई गलत नहीं काटने वाला। अगर आप इसको ऐसा लिखोगे, 1.2 लिखोगे या 1.20 लिखोगे, कहीं भी चेक करा लेना, इन दोनों में कोई भी गड़बड़ी नहीं, दोनों बराबर इक्वल हैं। तो अगर हम इतना लिखते, 120 लिखते और उसकी जगह पर 180 लिखते और फिर तब बीफ लिखते, तब ये तरीका हमारा सही था। बात समझ रहे हो ना, अब ये सही था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हमने सभी को 1-1 जीरो प्रोवाइड किया था दशमलव के बाद वाले अंक के बाद में, अब बराबर था, समानता है। लेकिन हमने इसको तो जीरो दे दिया बट इन सभी को नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गई, भारी असमानता हो गई और वो आंसर इसलिए गलत था। देखिए, LCM जो भी आएगा वो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह से कटेगा, स्वतंत्र रूप से कटेगा, किसी के दबाव में नहीं, तब LCM सही होता है। जो कि आपने देखा अभी 1.80 अगर हमारा LCM आ रहा है तो ये इन तीनों नंबर से कट नहीं रहा पूरा पूरा, इसका मतलब ये उत्तर गलत है। तो हम करेंगे क्या, अब आप लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल ये होगा, क्या करेंगे हम, ये करेंगे कि दशमलव सभी नंबर का हटा करके और उनका LCM निकालेंगे जैसे अभी हमने किया था, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 2। जीरो नहीं लगाएंगे लास्ट वाला, याद रखना, ये जीरो नहीं लगाएंगे, अगर ये जीरो लगाओगे तो गड़बड़ है, ठीक ना। अब जो आंसर आएगा वो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा 100%। चलो देख लेते हैं, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 से काटोगे 9, फिर 2 से काट दो तो 2 तिहाई 6, ये 9, 1, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 3 का 9 और ये 3। यहाँ पर देखिए LCM बराबर कितना आएगा, 2 2 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, कितना आया, 36 आया ना। अब यहाँ पर आप देखो, अभी जो बात हमने बताया था वही कि अधिकतम जितने अंक पर क्या होगा, दशमलव होगा, उतना ही क्या लगाएंगे, यहाँ पर अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो 36 में अब सवाल है सबसे बड़ा कि 1 अंक पर दशमलव होगा कि 2 अंक पर, तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे, 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे, यानी कि इसका आंसर हमारा 3.6 क्या होगा, LCM हो जाएगा। और वो क्यों करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर जो ये जीरो का टेंशन है ना, इसको मिटा भी दो तो कोई गलत नहीं कह सकता है, वो तो बड़ा अजीब सा लग रहा था गिनने के लिए। हाँ, चाहो तो जीरो लगा दो, चाहे जितना जीरो लगा दो, कोई मतलब नहीं है, वो रहेगा क्या, 20 पैसा के बराबर ही रहेगा, ठीक ना।
तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो तब भी ठीक है, ना लगाओ तब भी ठीक है। जितना सबसे ज़्यादा वाली अंक पर दशमलव होता है उतने अंक पर दशमलव लगाते हैं। यहाँ पर देखो दो अंक पर दशमलव है, आप कहोगे यहाँ भी आप जीरो बढ़ा सकते हो, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे ना, तो मैं आपको बता क्या हूँ, जरा ध्यान से देखना एक मिनट शांत होकर के, इसको मिटा दो अभी ऐसे रहने दो, ठीक ना। यहाँ पर देखना, हमारा कहने का ये मतलब है कि अगर कहीं 1.2 लिखा है और कहीं 1.20 लिखा है और कहीं 1.200 लिखा है, इन सब का मतलब एक है, ठीक ना। यानी कि दशमलव के बाद जो इकाई, यानी कि दशमलव के जस्ट बाद जो संख्या होती है उसके बाद चाहे जितना जीरो बढ़ा दो, अगर कोई अंक और दूसरा नहीं आता तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। चलिए काट के दिखा देते हैं आपको, इसको कटेगी ये संख्या, इन सभी से कटना चाहिए। तो 3.6 में पहले भाग दे लो 1.2 से, ये देखो एक एक पर अंक पर दशमलव उड़ जाएगा, 12 3 36 तीन आएगा। 3.6 में भाग कर लो 1.8 से, दशमलव हट जाएगा, एक एक अंक पर है, 18 2 36 कट जाएगा। 3.6 में आप भाग दे लो किससे, 0.20 से। यहाँ पर ध्यान देना, कुछ लोग कहेंगे यहाँ दो अंक पर दशमलव है नहीं हटेगा, ये जीरो ही हटा दो ना बात ख़त्म हो जाए, अब तो एक एक अंक पर दशमलव है ना, अब दशमलव हटा सकते हो, दो से काटोगे 18 आएगा, यानी कि इनका एलसीएम 3.6 आएगा। ये समझ में आया ना, जल्दी से छाप लो फटाफट, ये दूसरा एग्जाम्पल हो चुका है, और अगर नहीं समझ में आया तो बताना, ज़रूर बताना। तो प्यारे साथियों आज की ये क्लास जो है यहीं तक थी, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन एंड एलसीएम ऑफ पावर नंबर, यानी कि घात वाली संख्याओं का एलसीएम और भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम। आपको बता दें अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर का पूरा गणित पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं मात्र टैक्सी के किराए के रूप में। मतलब अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाओगे तो सीधी सी बात है महीना भर में कम से कम 600 से 700 रुपये टैक्सी का किराया लग जाएगा। आप उससे कम पैसे में 549,549 रुपये में घर बैठे क्लास कर सकते हैं। एक क्लास को एक नहीं 10 बार देखिए घर बैठे। अगर कहीं ऑफलाइन पढ़ोगे तो एक बार एक क्लास देख पाओगे, दोबारा वो छूट जाएगी, अगर नहीं जाओगे बीमार हो गए पानी बरसने लगा तो ना देख पाओगे, ठीक ना। तो इसलिए ज्वाइन करें ऑनलाइन, कहीं भी ना जाएं, डिजिटल इंडिया का फ़ायदा उठाएं। और ये गूगल पे एंड फोन पे का नंबर दिया गया है, चाहे जिससे भी आप इस नंबर पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं ये हो सकता है साइबर कैफ़े से कर सकते हैं, आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। एक चैनल एक नंबर, जैसे आपने देखा था ना एक देश एक टैक्स वाला मामला है ना, तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, इसी पर हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, गूगल पेमेंट भी कर सकते हैं, फ़ोन पेमेंट भी कर सकते हैं, मतलब इसी एक नंबर पर आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो। इन्हीं बातों के साथ आपको चलते चलते याद दिला दें कि ये क्लास 3 दिन होती है सप्ताह में, 3 दिन मतलब कौन कौन दिन, बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार को। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को दोस्तों में शेयर करके जाना, अवश्य शेयर करना साथियों, और हाँ अगली क्लास के लिए इंतजार करना कल फिर सुबह 4:30 बजे के बाद, चाहे जब देखना 4:30 बजे से सुबह।